अबे की छत, काबतुल्ला पे चार दीवारी पे छत है, छत को सकफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबी का लफ्ज याद कर लें, सकफ। इंग्लिश वाले रूफ कहते हैं, रूफ। उस पर कभी बारिश हो, पानी आए ना, तो वहां से उन्होंने एक परनाला, ड्रेन कहते हैं ना, जिससे पानी नीचे गिरता है। आपके यहां भी छतों पे बनते हैं, आगे नाले बना देते हैं ताकि छत पे पानी ना रुके, नीचे गिर जाए। परनाले को अरबी में मीजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? मगर काबे की छत पर जो परनाला है उसका नाम है मीजाबे रहमत। क्या नाम है? सोने का पतरा चढ़ा हुआ है उस पर, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। जब कभी बारिश होती है मक्का में, उससे पानी गिरता है, सब लोग तड़पते हैं किसी तरह ये पानी हम पर गिरे, लोग उसको लेने के लिए। वो जो परनाला है उसका मुंह मदीने की तरफ है, उसका मुंह ऊंची, और वो थोड़ा सा झुका हुआ है। परनाला हमेशा झुका हुआ होता है ना, ताकि नीचे की तरफ अगर सीधा हो तो पानी कैसे आएगा। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, ये उस परनाले को देख के शेर समझ में आता है। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। ये उस मीजाब को देख के ये शेर समझ में आता है कि क्या मुराद। तो इसका मुंह किस तरफ है? नाम क्या है? मीजाबे रहमत, रहमत का परनाला। यह है जामिया मस्जिद गुलजारे हबीब। बाहर सड़क पर बोर्ड लगाओ, लिखाओ जामिया मस्जिद गुलजारे हबीब, और नीचे तीर का निशान बनाओ, तो वो निशान मस्जिद है या बता रहा है कि इस तरफ मस्जिद है? वो बता रहा है कि मस्जिद, इसका नाम क्या है? बात समझने के लिए मीजाबे रहमत। तो ये निशान है कि मैं रहमत का निशान हूं, रहमत इधर है।